बिहार राज्य की भूमि उत्पादकता के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। बिहार की खेती में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, होने के अतिरिक्त सब्जियों के उत्पादन में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वैशाली जिले के लोदीपुर चकवारा निवासी संजीव ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने हाईब्रिड फूल गोभी बीज उत्पादन में सफलता के कई मकाम हासिल किए हैं। पिता के देहांत के उपरांत युवा संजीव के कंधों पर परिवार की जिम्मेवारी आ गई। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए संजीव ने अपने कृषक पिता की तरह खेती को अपनाकर फूल गोभी की खेती शुरू की। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सभी फूलगोभी बीज व्यवसाय से शुरू से ही जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी के देहांत हो जाने के बाद हमारे ऊपर पारिवारिक बोझ बढ़ गया। हमारे यहाँ दिन पर दिन जो फूलगोभी का बीज का उत्पादन हो रहा था वो डिक्टोरिएट हो रहा था। हमने IPM तकनीक को अपनाया और विगत में 3-4 वर्षों से फूलगोभी जैविक रसायन मुक्त फूलगोभी बीज का उत्पादन कर रहा हूँ और हमारा बीज उत्पादन आज बढ़िया हो गया है। संजीव कुमार हाजीपुर के एक नवयुवक, बहुत उत्साही किसान हैं। गोभी के बीज उत्पादन के साथ ही साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं और जैविक खेती में उनका कार्य जो है बड़ा अग्रणी दर्जे का है। भविष्य की जो कृषि प्रणाली है, जैविक खेती उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर में तकनीकी ज्ञान के अभाव और अनुभव की कमी के कारण संजीव को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे गांव में विगत कई एक वर्षों से फूलगोभी का बीज का उत्पादन हो रहा है। हम भी फूलगोभी का बीज उत्पादन कर रहे थे लेकिन दिन पर दिन उत्पादन में कमी आती जा रही थी। इसके उपरांत संजीव आत्मा वैशाली से जुड़े आत्मा शासी परिषद का सदस्य बनकर तथा आत्मा से तकनीकी और वैज्ञानिक मदद पाकर संजीव ने बड़े पैमाने पर फूलगोभी की खेती शुरू की। जब हमने 3 साल पहले आत्मा से जुड़ा तो उसके बाद आत्मा शासी परिषद का सदस्य बना। आज हम आत्मा के सहयोग से फूलगोभी बीज का उत्पादन कर रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे गांव, हमारे आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर फूलगोभी बीज का उत्पादन हो रहा है। फूलगोभी की खेती कर संजीव उन्नत किस्म के गोभी बीज का उत्पादन करते हैं। 3 चरणों में तैयार होने वाले उन्नत किस्म के गोभी बीज उत्पादन के लिए संजीव कड़ी मेहनत करते हैं। हमारी हाजीपुरी फूलगोभी जो है, जिसकी मुख्य विशेषता है कि यह पौध लगने के 45 से 50 दिन के बाद तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल व्हाइट सफेद और कॉम्पैक्ट होता है, करापन होता है। अब ये तैयार हो गया है बिल्कुल यह मार्केट में बेचने के लिए। इसके बाद हम लोग इस खेत में रोगिंग करते हैं और जो परिपक्व फूल होते हैं, जो सफेद और ठोस होते हैं, उसमें हम लोग पहचानते हैं कि कौन फूलगोभी का बीज के अगले पीढ़ी के लिए बीज बनाए। उस रोगिंग कर उसमें से हम लोग फूलगोभी को कटिंग करते हैं, 1/3 भाग को काट कर बाजार में बेच देते हैं और उसमें के बाद उसके बाद जो फूल होते हैं उसमें से पेनिकल निकलते हैं, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि फूल से सारा निकलना। उसके बाद वो फूल खिलते हैं और जब फूल परिपक्व हो जाते हैं तो फूल से पॉड बनता है, जिसमें दाना बनता है। उसके बाद वो बीज के लायक हो जाता है। उस परिपक्व होने पर जब वो दाना जो है उसकी फलियां पीली होने लगती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि बीज तैयार हो गया है और उसको काट के हम लोग मैनुअली प्रोसेसिंग कर बीज को तैयार करते हैं। सब्जी बीज उत्पादन में बेहतर नतीजों के लिए आत्मा और बामेत की मदद से संजीव कई प्रशिक्षण यात्रा पर भी गए हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है, वहाँ भी हम आत्मा वैशाली और बामेती के सहयोग से वहाँ पर भी सब्जी बीज उत्पादन पर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर हम अपने यहाँ फूलगोभी की खेती भी कर रहे हैं और किसानों को अपनी ओर मुखातिब कर रहे हैं कि वहाँ के जो तकनीक है उसको अपने खेत में अडॉप्ट करें। उन्होंने जो काम किया है गोभी बीज उत्पादन के संबंध में वो एक बड़ा सराहनीय कार्य है। उन्होंने ही यह पहल की थी अभी कुछ दिन पहले कि बिहार के किसानों को सब्जी के जो हाइब्रिड बीज हैं, संकर बीज, उनके उत्पादन में भी प्रशिक्षित किया जाए। इनके सुझाव पर मैंने वाराणसी में जो सब्जी का अनुसंधान केंद्र है वहाँ भी लिखा। अब वो राजी हो गए हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, जिसमें संजीव कुमार भी जी भी रहेंगे। आज संजीव की गिनती राज्य के सफल हाईब्रिड गोभी बीज उत्पादक के रूप में होती है। आत्मा वैशाली
इन्हें तैयार बीज के विपणन में भी मदद देती है, जिसे संजीव अच्छा मुनाफा अर्जित करते हैं। इनके द्वारा तैयार हाई ब्रीड गोभी बीज की मांग गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बहुत ही ज्यादा है। ये जो फूलगोभी की खेती देख रहे हैं, 2 से 2.5 एकड़ में फूलगोभी का बीज उत्पादन करता हूँ। हमारे द्वारा उत्पादित जो फूलगोभी के बीज है वो बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, बाकी कई अन्य राज्यों में भेजा जाता है। संजीव के क्रियाकलाप गोभी बीज उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने अन्नदाता कृषक क्लब की स्थापना कर गाँव की महिलाओं को इससे जोड़ा। यह समूह विगत लगभग 1 साल पुराना समूह है। इनके द्वारा जो महिलाएं हैं इसमें, इस ग्रुप में, इस समूह में लगभग 12 महिला सदस्य हैं। महिलाओं को बड़ी स्वेटर, कुशन कवर बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया। अन्नदाता कृषि क्लब के महिला स्वयं समूह सहायता से जुड़े हुए हैं। महिला लोग इकट्ठा होकर के सब चीज बनाते हैं, हम स्टॉल में लगता है तो वहाँ बेचते भी हैं। तो हम लोग का अपना बैंक में अपना अकाउंट है, जरूरत पड़ने पर उसमें से हम लोग पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि हम लोग खाली समय नहीं बिताएं, अपना इसी में समय बिताते रहते हैं घर के काम के बाद। सब महिला लोग मिलके अपना ग्रुप के सामान तैयार करते हैं और स्टॉल लगता है तो वहाँ पर लेके जाते हैं, बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा है। अन्नदाता कृषक क्लब के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद राज्य स्तर पर लगने वाली प्रदर्शनी और मेला में बिक्री के लिए जाते हैं। जहाँ भी महिलाओं का मेला लगाया जाता है उसमें कुशल पूर्वक भाग लेती हैं और अपने उत्पाद को बिक्री करती हैं। अन्नदाता कृषक क्लब से जुड़े किसानों को आत्मा की मदद से बामेती द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। इस कंप्यूटर से हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो नई नई तकनीक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही देश में विभिन्न बाजारों की जानकारी भी ले रहे हैं कि कौन बाजार में कौन सब्जी का, कौन फल का क्या रेट है, और इससे अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। कृषि के विषय में ये कंप्यूटर के द्वारा, तकनीकी इंटरनेट के द्वारा नई तकनीकी के विषय में जानकारी लेता हूँ और इसी जानकारी के अनुसार मैं अपने खेत में इस काम को करता हूँ। संजीव की सफलता में एक और कड़ी तब जुड़ी जब हाल ही में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी द्वारा इन्हें राष्ट्रीय रजत पदक देकर सम्मानित किया गया। जो बामेती बिहार है और आत्मा वैशाली है उसके सहयोग से हम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के नाम से जानते हैं, उसमें मैं भाग लेता हूं और इसी के फलस्वरूप मैं एक आज सफल बीज उत्पादक हूं। इसी बीज उत्पादन के तहत मुझे हाल ही में राष्ट्रीय रजत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैं इसका सारा श्रेय वही जो आत्मा वैशाली और बामेती है उनको मैं देना चाहता हूँ। साथ ही जिला एवं राज्य स्तरीय कई पुरस्कारों से संजीव को सम्मानित किया गया है। संजीव आज आत्मा की मदद से अपने द्वारा उत्पादित बीज की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और इनकी तमन्ना भी यही है कि वैशाली को हाईब्रिड गोभी बीज उत्पादन में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हो। युवा किसान संजीव ने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया है कि हौसले बुलंद हों और इरादे नेक हो तो सफलता आपके कदम चूमती है।